जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। अभी हम आपको सीरीज बी में जा रहे हैं, रीजनिंग, RTSE रीजनिंग बता रहे थे, उसमें सीरीज ए पिछला बता दिए थे, आज हम सीरीज बी में आ रहे हैं। सबसे पहले हम सीरीज ए में आपको 50 क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, उस 50 क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, ठीक है, और आप मिला लीजिए, ठीक है, आप उसको मिला लीजिए। और मेरा अपना अनुमान है कि कहाँ तक आपका होना चाहिए, तो 6 वाला का, ठीक है, जो स्टैंडर्ड 6 में है उसका 30 तक होना चाहिए सही, ठीक है। 7 वाला का 35, 8 वाला का 40, 9 वाला का 45, ठीक है, तक सही होना चाहिए। 10 वाला का 48, 49, 50, ठीक है, इतना होना चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। यदि इतना है तो आप समझिए कि आप अच्छे बच्चे हैं, यदि नहीं है तो बुरे बच्चे नहीं हैं, आप प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए। इस प्रकार का 2-4 सीरीज आपको हम देंगे बनाने के लिए, आप उसको बनाइएगा, बार बार बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका भी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम आपको आंसर बता देते हैं सीरीज ए का कितना, 1 to 50। समय थोड़ा बचाया जाए आपका, आपको हम आंसर डाल दिए 1 से 50 तक का, ठीक है, 1 से 50 तक का आपका आंसर डाल दिए। एक बार बोल भी देते हैं हम, 1 का 879, 2 का 81, 3 का 132, 4 का 120, 5 का 147, 6 का 578, 7 का 86, 8 का 54, 9 का 6/25√5, 10 का 8, 11 का 3968, 12 का 26, 13 का 10, 14 का 101, 15 का 28, 16 का 336, 17 का 360, 18 का 36 यानी 36, 19 का 65, 20 का 14, 21 का 28, 22 का 181, 23 का 248, 24 का 101, 25 का 31, 26 का 29, 27 का 62, 28 का 456, 29 का 145, 30 का 51, 31 का 312, 32 का 25, 33 558, 34 96, 35 7, 36 7, 37 1384, 38 24, 39 26, 40 71, ठीक है, 41 8 11, 42 50, 43 324, 44 116, 45 3508, 46 14, 47 4880, 48 7761, 49 8063, और 52605, हो गया आपका आंसर तैयार। अब आप मिला लीजिए, जैसे बोले थे उस हिसाब से मिलाइएगा और अपने आप का मेजरमेंट कीजिए, और जो उपचार बताए हैं उस उपचार पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आज के टॉपिक पर, ठीक है, आज का टॉपिक है आपका, सीरीज में ही है हम, ठीक है, सीरीज में ही है, और सीरीज पार्ट बी इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। आज हमको देखना है कि हम सीरीज सब देंगे
उसमें से कोई ना कोई ऐसा होगा जो कि ऑड होगा, माने क्या कि वह नंबर उस सीरीज में नहीं बैठेगा, किसी न किसी रूल के आधार पर वह उसके लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, आपको उसको खोजना है कि किस रूल पर वो है। ठीक है, उस रूल पर उसमें से कौन सा नंबर सही जगह पर नहीं है, माने सही नहीं है, वह नंबर सही नहीं है, उसके बदला कोई दूसरा नंबर होना चाहिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपका ही हुआ, एक टर्म रॉन्ग है, वन टर्म रॉन्ग है, तो आप सही टर्म क्या डालिएगा। पहले तो टर्म को खोजना होगा कौन टर्म गलत है। जैसे एक सीरीज दिया 11, 2, 21, ठीक, 3, 32, 4, 41, 5, 51 और 6। ठीक है, ये एक सीरीज दिया, इसमें से आपको ऑड खोजना है। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं नंबर, तो हमको लगता है कि इसमें 11, 2, 21, 3 ना, इसमें दो प्रकार का सीरीज है, दो सीरीज मिला हुआ। कैसे, तो देखो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, यानी यहाँ जो आएगा वो आएगा 7। यानी इसमें हम क्या जोड़ते जाते हैं, +1, +1, +1, +1। ठीक है, इस सीरीज सही। दूसरा एक सीरीज है मेरे पास, देखो 11 के बाद 21, ठीक है, और 21 के बाद 32, और 32 के बाद 41, और 41 के बाद 51, है ना। यानी इसमें 10 प्लस हुआ और इसमें कितना प्लस हुआ, 21 से 32 में 9 प्लस हुआ, इसमें कितना प्लस हुआ 10, और इसमें भी कितना प्लस हुआ 10। यानी यहाँ पर गलत है, नहीं गलत है, यानी 21 के बाद, ठीक है, 32 नहीं होके क्या होना चाहिए, 31। यानी ये आपका हो गया आंसर, ये 32 रॉन्ग है। अब समझ गए क्या होना चाहिए, तो 31 यदि वो देगा कि क्या होना चाहिए, तब आपको 31 लिखना होगा, और नहीं तो सीधा इसमें के खोजना यदि आपको है कि कौन गलत है, 32 गलत है। समझ गया, एक क्वेश्चन। अब हम आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 87, 88, 89, 78, 86, 80, 85, 82, 83, ठीक है, 89, 78, ठीक। अब देखो इसमें भी देखने से पता चलता है कि दो सीरीज है ना, दो सीरीज इसमें है। ठीक है, एक देखो 89, 86, 85, 83, ठीक है, 89 और 86 यदि हम करते हैं तो -3 हुआ, और 86 से 85 यदि हम करते हैं तो -1 हुआ, और 85 से 83 करते हैं तो कितना हो गया, -2। नहीं, अच्छा दूसरा है मेरे पास 78 के बाद क्या 80, 80 के बाद क्या 82, 82 के बाद क्या, ठीक है, यानी इसमें सब में +2 है। नहीं, 78 के बाद 80, 80 के बाद 82, ठीक है, यानी जो गड़बड़ है मेरे पास वो इसी में है, पहले वाला में, है ना। क्या यह है 89 और यहाँ है 86, यहाँ है 85, यहाँ है 83, ठीक है। तो यदि हम इसको 87 कर देते हैं, ध्यान दो 87 कर दिए तो -2 हुआ, नहीं, और यहाँ भी क्या हो जाएगा -2, और यहाँ भी क्या हो गया -2, यानी यहाँ पर मेरा क्या होगा 87 होगा। यानी इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था, 87 से पहले क्वेश्चन में क्या था,
86 यानी 86 है, यानी आंसर मेरा हुआ क्या 86, यानी 86 रॉन्ग है। हम तो आंसर सही लिखे हैं ना 87, समझ गए बात अब। अब आ जाइए आप तीसरा एग्जाम्पल में, दो चार एग्जाम्पल बता दिया जाए आपको। थर्ड एग्जाम्पल में आ जाइए, एक थर्ड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। थर्ड है 527 61, 527 61, 122 213 340 और 509। अब देखो इसमें 5 के बाद 27 भैया कितना प्लस है तो 27 के बाद क्या 61 है, इसमें कितना प्लस है ये कितना बच गया 34। अब आ जा इसमें कितना का डिफरेंस है 61 का, ये तो किसी रूल पर आ नहीं रहा। तो हम देखेंगे कोई फिर दो सीरीज तो नहीं है क्या, तो 5 61 213 27 122 उस पर भी नहीं है। फिर आगे सोचो आगे क्या हो सकता है, ये 5 है भैया, ये 5 है ठीक है, ये है 27 क्या, वो है 61 ठीक, और ये है मेरा 122। तो कैसे जाएगा अच्छा एक काम हो सकता है, ये जो 5 है ये 8 से 3 कम है क्या, आई जो 61 है ये भी 64 से 3 कम है, और ये जो 122 है ये भी 125 से 3 कम है। ध्यान दो बात, ये क्या है 8 से 3 कम है, ये क्या है 64 से 3 कम है, ये क्या है 125 से 3 कम है, ये क्या है 216 से 3 कम है ठीक है, और ये 343 से 3 कम है, और 512 से 3 कम है, यानी ध्यान दिया बात पर, यानी क्यूब से ये सब सारा नंबर क्यों है, क्यूब नंबर है, परफेक्ट क्यूब है 512, 8 का क्यूब, यह है 7 का क्यूब, यह है 6 का क्यूब, यह है 5 का क्यूब, यह है 4 का क्यूब, यह है 2 का क्यूब, यानी यहाँ 3 का क्यूब जो होगा उसमें से 3 कम होना चाहिए, यानी यहाँ पर होना चाहिए 3 का क्यूब कितना 27 और माइनस 3 यानी यहाँ 24 होना चाहिए, इसका मतलब यह गलत है। अब समझा बात, अब पकड़ लेगा, कोई जरूरी नहीं कि यही रहेगा, इस टाइप का कुछ भी रह सकता है ना, वो आपको उतना ही देर में रूल को पकड़ना होगा ठीक है। चलिए कैथो एग्जाम्पल आपको हम बता दिए, 3 एक और ले लीजिए, चौथा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल है आपका 196 196 169 144 144, हाँ उसके बाद 121 और 80 ठीक। ये तो देखने से एक बार में ही आपको पता चल गया होगा, नहीं पता चल गया है, पता चल गया ना क्या होगा, ये 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, तो भैया यह 10 का ही स्क्वायर होना चाहिए था, इसलिए ये मेरा
गलत है, हो गया। चार जब हो ही गया तो एक और ले लीजिए, 1 5 22 57, उसके बाद 1 2 1 2 2 1। अब सोच के देखो, इसमें तुमको भी थोड़ा सा हम समय देते हैं कि अब क्या होगा, इसमें क्या होना है रे बबुआ, सोच के देखो। 1 5 22 57 1 21 2 21। सोच के देखो, सोचो, ये है 1, ये है 5, ठीक, ये है 22। एक काम करते हैं, इसमें और इसमें कितना का अंतर है, 4 का, ठीक, और 5 और 20 में कितना का अंतर है, 17 का, ठीक, और 22 और 57 में कितना का अंतर है, 35 का, नहीं आ रहा, 57 और 121 में कितना का डिफरेंस है, ठीक है भाई, अच्छा, और इस दोनों में कितना का अंतर है, 100 का। बार बार कुछ ना कुछ तो आएगा क्या, जैसे ये तो हो गया मेरा 10 का स्क्वायर, ये हो गया 8 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, इस दोनों में लफड़ा है ना, ये यदि हम 4 का स्क्वायर करें और ये क्या करें 6 का स्क्वायर, लगातार इवेन नंबर का स्क्वायर प्लस होते जा रहा है, नहीं, इवेन नंबर का स्क्वायर प्लस होते जा रहा है, यानी समस्या कहाँ है, समस्या है यहां पर होना चाहिए कितना, प्लस करना है, ये हो गया मेरा 4, मतलब 4 का अंतर है, ये तो ठीक यहां नहीं, यानी हम क्या जोड़ देंगे, यहां मेरा होना चाहिए बबुआ रे 21, नहीं 16 और 5 21, अब यहां पर 36 जुड़ा, हो गया 57, इसका मतलब यही गलत था, समझा बात, हम तो सही लिख दिए हैं 21, यानी यहां पर क्या था, पहले पहले क्या था भाई, 22 था, पहले 22 था, यानी ई मेरा गलत है, ठीक है, इस सीरीज में नहीं बैठता है, इसीलिए 22 इसका आंसर हो गया, समझ गया बात। अब तो हम आपको क्वेश्चन देंगे, आपका थोड़ा समय बचाएंगे, 24 क्वेश्चन जो है, 24 क्वेश्चन हम डाल दिए, ठीक है, लेकिन एक बार बोल देते हैं, फर्स्ट में है, एक तो क्वेश्चन क्या है, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस वन टर्म इज रॉन्ग, फाइंड द रॉन्ग टर्म, ठीक, वन में आइए, 11 2 21 3 31 4 42 5 51 6, ठीक है, टू में आइए, 89 78 87 80 85 84 83, थ्री में आइए, 5 24 61 122 212 340 509, फोर्थ में 196 169 145 121 81, फाइव में 1 5 21 57 125 80, सिक्स में 24 27 31 33 36, सेवन में 1 3 7 5 27 63 127, एट में आइए 121 143 165 186 209, नाइन में आइए 5 10 17 24 37, टेन में आइए 445 221 109 46 25 11 4, अब चलिए 11 यहाँ है आपका, ठीक है, 1 5 9 16
16, 25, 37, 49, ठीक है। 12 में आइए, 12 है आपका 1, 5, 17, 37, 65, 102, 145। 13 में आइए, 76, 60, 48, 38, 36, 36, दोबारा 36 है। 14 में आइए, 196, 169, 144, 121, 100, 80, 64। 15 में आइए, 9, 10, 13, 18, 26, 34, 45। 16 में आइए, 8, 4, 4, 6, 15, 30, 90। 17 में आइए, 2, 18, 4, 20, 8, 22, 16, 25, 32, 26। 18 में आइए, 1, 2, 5, 21, 88, 5, 45। 19 में आइए, 0, 1, 9, 37, 100, 225। 20 में आइए, 7, 8, 19, 57, 232, 1165। 21 में आइए, 9, 40, 156, 464, 928। 22 में आइए, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 96। 23 में आइए, 3, 10, 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125। और 24 है, 6, 14, 30, 64, 126। हो गया 24 तक। अब हम आपको 50 तक, आपका 26 से 25 से लेकर 50 तक भी आ गया, हम बोल देते हैं आपको, ठीक है, मिला लीजिए। 25 में आइए, 25 में है 11, 5, 20, 12, 40, 26, 74, 54। 26 में है 3, 2, 8, 9, 13, 22, 18, 32, 23, 42। 27 में आइए, 1, 2, 1, 2, 2, 4, 6, 12, 24, 60। 28, 1, 2, 6, 21, 86। 29 में 440, 440, 399, 378, 354। 30 में आइए, 64, 32, 18, 8, 4, 2, 1। 31 में आइए, 5, 10, 20, फिर 20, 25, 30। 32 नंबर में आइए, 0.5, 1.5, 3.5, 7.5, 15, फिर है आपका लास्ट में 31.5। क्वेश्चन नंबर 33, 4, 4, दोबारा 4 है, 12, 24, 28, 36। क्वेश्चन नंबर 34, 2, 1, 1.5, 2.75,
13.125। 35 में आइए 1, 2, 4, 6, 16, 32। क्वेश्चन नंबर 36 है 5, 10, 17, 27, 37, 50। क्वेश्चन नंबर 37 2, 3, 8, 28, 112, 565। क्वेश्चन नंबर 3040 माने क्या 3040, उसके बाद 1520, उसके बाद 760, उसके बाद 390, उसके बाद 190। अब आ जाइए इधर 39 में, 39 है आपका 9, 20, 33, 49, 65, 84। क्वेश्चन नंबर 40, 4, 9, 18, 23, 44, 51, 102। क्वेश्चन नंबर 41, 3, 5, 9, 15, 23, 31। क्वेश्चन नंबर 42, 9.5, 22, 44, 90, 182। क्वेश्चन नंबर 43, 2, 5, 11, 23, 48, 95। क्वेश्चन नंबर 44, 3, 7, 15, 39, 63, 127, 255, 511। क्वेश्चन नंबर 45, 360, 128, 87, 41.5, 18.75। क्वेश्चन नंबर 46, 1, 10, 82, 574, or 3,466। क्वेश्चन नंबर 47, 18, 26, 35, 48, 62, 78। क्वेश्चन नंबर 48, 2, 16, 12, 8, 2। क्वेश्चन नंबर 49, 1, 2, 4, 7, 16। क्वेश्चन नंबर 50, 5, 7, 10, 13, 19, 25। यही आपका 50 क्वेश्चन है। फिर आप 50 का 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब अगला जो आपको हम देंगे, जब ही रीजनिंग वाला देंगे, तो उसमें इसका फिर हम आपको आंसर देंगे, फिर आप मिलाइएगा और जो रूल बताए हैं उस रूल के आधार पर अपने आप का मेजरमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, जय माँ बगलामुखी। कहाँ लगता है पति, दिन में 17,000 रुपये करता है, क्या कहें, कहाँ पर फंस जाता है। अभी तक फूटा नहीं, वही गनी मत, 17,000 गिर गया है। चलिए मैडम खाना ले, काट देंगे तो, काट देंगे तो नहीं।